गाइस यार कितना ज्यादा मजा आ रहा है स्विमिंग पूल में नहाने में। ये छोटा स्विमिंग पूल तो बहुत ही ज्यादा मस्त है और हमारे पास बड़ा वाला स्विमिंग पूल भी है, मैं इसमें भी नहा सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं। अरे सर आइए आइए। अरे क्या हो गया? अरे सर आपसे कोई मिलना है। अरे कौन मिलना है? अरे सर कोई बनियान में आ गया है, काला सा लड़का। अरे क्या काला सा लड़का? अरे वो तो पक्का फेंकी भी आऊंगे, चलो चलो चलते हैं। अरे मैं आ गया। अरे रुको रुको मुझे ढंग से चलना चाहिए। अरे विकी भैया आप यहाँ पे क्यों आए हो? अबे शिनचैन ऐसे कैसे बोल रहा है? अरे विकी भैया क्यों आए हो बताओ ना। अबे मैं तो तेरे से मिलना आया था ना, मैंने सोचा यार अपन दोनों साथ में रहेंगे और मजे करेंगे। अरे विकी भैया मेरे को आपके साथ नहीं रहना, भाग जाओ यहाँ से। अबे शिनचैन भाई ये तो गलत बात है यार, तू यार ज्यादा पैसे वाला हो गया तो तुम्हें को छोड़ के चलाया। अरे विकी मैं चाहती हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड को भेजूं, निकलो ऐसे। अबे सुनना। अरे विकी मैं अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, जो कि मुझे पता है आपके पास गाड़ी नहीं है, तो मेरी एक गाड़ी ले जाओ। मुझे यार शिनचैन के साथ रहना था, पर कोई बात नहीं गाड़ी तो मुझे मिल गई है, देखते हैं शिनचैन के साथ कैसे रहेंगे। पर मुझे शिनचैन के साथ रहना है, उसके पास बहुत पैसे हैं। ये शिनचैन यार मुझे अपने घर के अंदर ले ही नहीं रहा, मैंने उसको बोला यार झाड़ू कर दूंगा तेरे घर में, पर फिर भी मना कर रहा है, मैं क्या करूं? आजा ट्रक मेरे ऊपर चढ़ा दे और मुझे कुचल के आटा बना दे मेरा। ओए बच्चे क्या करना है? ए, ए, मोड़ने कैसे लग गया? ओए बच्चे थोड़ा रोड यार देख के क्रॉस किया करो, कुछ हो गया तो। ए छोड़ मेरे को मोटे। ओए बच्चे मैं मोटा नहीं हूँ, मैं हूँ दद्दू हल्क। क्या दद्दू हल्क? वो कौन है? बच्चे जिस हल्क को तुम जानते हो उसका दादा हूँ मैं। अरे तो मेरे को कहाँ पकड़ के लेके जा रहे हो? बच्चे मुझे लगता है तेरी जिंदगी में बहुत ही सारा गम है, इसलिए मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया जगह पे, आजा मेरे साथ। अरे तो नीचे तो तार दो मेरी गर्दन तो छोड़ो। बच्चे रुक तो सरी, ये है हमारा स्पेशल मेडिटेशन सेंटर। अरे मुझे कोई मेडिटेशन सेंटर में नहीं जाना। बच्चे ये जादुई मेडिटेशन सेंटर है, जो भी तुम इच्छा मांगोगे वो तुम्हें मिलेगी। अरे जबरदस्ती आग के ऊपर बिठा के मेडिटेशन करवा रहे हो, कैसा मेडिटेशन है ये? बच्चे ध्यान लगा और सोच तुझे क्या चाहिए वो तुझे मिलेगी। अरे क्या सही में मिलेगी? फालतू में आग के ऊपर तो नहीं बिठा दिया, इतना तेज गर्म लग रहा है। अरे बच्चे ध्यान लगा तो सरी। अरे हाँ लगाता हूँ। ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम कोई खिला दो, सबसे महंगी महंगी आइसक्रीम। ओए बच्चे ये क्या बोल रहे हैं? अरे मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम कोई तो खिला दो महंगी महंगी आइसक्रीम। बच्चे मुझे लगता है तेरा मानसिक संतुलन खराब है, रुक जा मैं करता हूँ। ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम इसको बना दो लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आइसक्रीम। अब बच्चे यहाँ पे हर जगह आग जल चुकी है, तुझे वहाँ पे हर 3-3 सेकंड खड़े रहना है। ठीक है इधर खड़े हो जाते हैं, इधर भी खड़े हो जाते हैं और इधर भी खड़े हो जाते हैं। हाँ खड़ा हो गया। अब क्या? बच्चे अब तुझे मिलने वाली है अद्भुत शक्तियाँ, जिससे तू लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अरे वो कैसे? ये ले बच्चे इस बाइक पे बैठ के देख। बाइक पे बैठ के देखा? ये देख। अरे ये क्या हुआ? ये हेलमेट कहाँ से आ गया? अरे बच्चे हेलमेट नहीं डायमंड देख, डायमंड। क्या डायमंड? अरे ये गाड़ी तो डायमंड की कन्वर्ट हो गई। अरे गुरुजी पैर लागू। अरे आपने तो बहुत ही बढ़िया चमत्कार कर दिया। बच्चे मैंने बोला था ना मैं खतरनाक हूँ। हाँ ठीक है बाय बाय। अरे बच्चे सुन तो सही। तो गाइस यार मेरे पास आ चुकी है ऐसी शक्तियाँ कि मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है, इसलिए मैं लेके आ चुका हूँ ये डायमंड की कार और ये सिक्योरिटी वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। अरे आपके सिक्योरिटी के बॉस को बुलाओ। बोलिए क्या काम है? अरे मैं हूँ फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, मैं ऐसे यार आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी को खरीदना चाहता हूँ। तुमको पता है भी हम कितने ज्यादा महंगे हैं? शिनचैन सर के पास बहुत पैसा है, वो हमें बहुत पैसा देते हैं। अरे तुम टेंशन मत लो पैसों की, ये तुम्हारी गाड़ी है ना? हाँ गाड़ी है तो हमारी है। अभी इन सबको डायमंड का कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये देखो सारी सारी गाड़ियाँ डायमंड की हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा महंगी है। अरे क्या आज से हम आपकी सिक्योरिटी सर के स्वाप? तो गाइस सर अभी मैंने सारी की सारी शिनचैन की सिक्योरिटी को खरीद लिया, इनकी गाड़ियाँ डायमंड में चेंज करके। अरे यहाँ पे क्या चल रही है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और शिनचैन क्या हाल है? अरे सिक्योरिटी इसको बाहर निकालो। शिनचैन मैंने पूरी सिक्योरिटी वालों को खरीद दिया है, बताऊं कैसे? अरे बताओ। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है, 2015 से भारत में एक्टिव है। यहां आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहां 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम के प्रेडिक्शन करें और डेली जीते। लोटस 365 सबसे फास्ट विड्रॉल प्रोवाइड करता है और आप अपनी विनिंग अमाउंट इंस्टेंट अपने अकाउंट में पा सकते हैं। आप लोटस 365 पर लाइव मैचेस देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशन भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात है कि इसमें 24/7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। लिंक कमेंट बॉक्स में, फटाफट से जाके खेलो।
अरे बेकी बेकी, आपने ऐसे मेरे सिक्योरिटी वाले को खरीदा? अरे हाँ, मैंने पूरे के पूरे सिक्योरिटी वाले को खरीद लिए। अरे सिक्योरिटी बस, अरे ये क्या कर रहे हैं बैंकी बहन को बाहर भगाओ ना। सर अगर आपने फ्रैंकलिन सर के बारे में और कुछ भी बोला तो हम आपको बाहर भगा देंगे। अरे क्या मुझे बाहर भगा दोगे? अरे बेकी बहन, बेकी बहन। अबे क्या होगा शिनचैन, बाहर निकल जाए, ऐसे मेरा घर ही है। अरे बेकी बहन, ये डायमंड की गाड़ी आपकी है क्या? अरे हाँ मेरी गाड़ी है, मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है। अरे क्या वो कैसी? अबे वो मैं नहीं बताने वाला, देखो तू बाहर निकल ऐसे। अरे बेकी बहन रुको तो सर, बहते सुनो। अबे क्या बोल रहे हैं? अरे फेकी भाई, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। है मजाक कर रहा था मतलब? अरे फेकी भाई, आज अप्रैल फूल डे है ना, इसलिए मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। अच्छा आज अप्रैल फूल डे इसलिए? अरे गाइस आज अप्रैल फूल डे इसलिए यार शिनचैन मेरे साथ मजाक कर रहा था। मतलब वो मेरे को अपने घर के अंदर तो ले लेता, पर यार वो आज मजाक कर रहा था मेरे साथ। अरे शिनचैन तूने तो मेरे को डरा ही दिया था, मैंने सोचा तू मेरे को कभी अपने साथ लेगा ही नहीं। अरे शिनचैन अपन घूमने चलते अपनी डायमंड की कार में। अरे चले चले मजे आएंगे। अबे शिनचैन अगर तू मेरे को बताता नहीं ना कि तू अप्रैल फूल डे मना रहा है, वरना तो मैं बहुत ही गुस्सा हो जाता तेरे से। अरे फेकी बे, मैं इतना भी खास नहीं। अरे कैसे फेकी बे, वो क्या पागल बनाया? क्या बोला? अरे फेकी बे कुछ नहीं, चलो चलो। तो गाइस सर, अभी शिनचैन और मैं आ चुके हैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए, वो भी यार बहुत ही बढ़िया वाली जगह पे। यहाँ पे यार मैं शिनचैन को दिलाने वाला हूँ एक डायमंड की वॉच, वो भी गिफ्ट में। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दीदी ये लो यार बिल के पैसे। तो गाइस सर अभी मैंने इनको दे दिया डायमंड। अरे थैंक यू, आप जो चाहे ले लो। अरे हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गाइस सर मुझे पता था इस डायमंड से काम हो जाएगा, तो अभी हम करने वाले हैं बहुत सारे जूतों की शॉपिंग। इतने सारे जूते, इनमें से हम जूते लेने वाले हैं। और यहाँ पे क्या क्या है इधर, इनके पास नए नए स्वेटर भी आ रखे हैं, ये भी ले लेते हैं फटाफट से। तो गाइस सर से कमेंट करके बताओ कि स्वेटर कैसे लग रहा है। और इतने सारे सूट्स भी इनके पास, कोई अच्छा सा सूट मैं पहन लेता हूं, ये सूट यार सही लग रहा है। तो और देखते हैं इनके पास क्या क्या है। और यहाँ पर बहुत सारी घड़ियां पड़ी है। तो गाइस यहाँ पे पहले मैं अपने लिए इयररिंग्स ले लेता हूँ, और शिनचैन के एक बढ़िया सी घड़ी भी ले लेंगे। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो ये वाली इयररिंग्स आपको कैसी लग रही है। रुको यार और कोई सी भी देख लेता हूँ, ये ब्लू कलर वाली लेता हूँ, ये अच्छी लगेगी। तो गाइस अभी ब्लू वाली अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। काम कर दो सारी ही खरीद लेता हूँ यार। अरे आंटी डिलीवर करा देना। अरे ओके सर, ओके सर। तो गाइस अभी हमको सारी सारी इयररिंग्स डिलीवर करा देगी। थैंक यू आंटी, आपकी शॉपिंग बहुत ही अच्छी थी। तो गाइस इसको बोलते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस शॉपिंग। तो गाइस अभी मैंने यार कपड़े तो खरीद लिए, मतलब छोटी चीज तो खरीद ली, पर अब अभी हम करने वाले हैं बड़ी बड़ी शॉपिंग, क्योंकि यार हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो वो डायमंड की कन्वर्ट हो जाती है, और डायमंड होता है बहुत महंगा। तो यार मैंने यार बहुत सारी गाड़ियों को डायमंड में कन्वर्ट किया, फिर उनको बेच दिया। और अभी हम आ गए यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेने। हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर्स लेंगे, मतलब बहुत सारे हेलीकॉप्टर खरीदने यहाँ पे आ चुके। ये देखो यार भैया हमको हेलीकॉप्टर बेचने वाले। सर आए आए, हम आपके लिए लेके आए हेलीकॉप्टर। सर जो चाहिए ले लो। हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स खड़े। आप यार फटाफट से कमेंट करके बता दो आपको कौन सा चाहिए, मैं आपके घर पे पार्सल करवा दूंगा, वो भी यार डायमंड करके। तो गाइस सर यहाँ पे इसी वाला मुझे चाहिए, इसको टच कर देते, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए। एक काम कर दो सारे के सारे ले लेते हैं यार, क्योंकि पैसों की तो कमी है ही नहीं। ये वाले को भी टच कर देते अपन, इस वाले को भी हमने टच कर दिया, इस वाले को भी अपन टच कर देते। तो गाइस सर सारे सारे हेलीकॉप्टर्स को टच कर दिया, और वो सभी के सभी डायमंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अंकल मेरे को यार सारे सारे हेलीकॉप्टर चाहिए। शिनचैन फटाफट से पत्थर लेके आ। सर पत्थर क्या करेंगे सर? अबे आप देखना तो सर, शिनचैन फटाफट से पत्थर लेके आ। अरे बेकी बे लेके आ रहा, रुको रुको। अरे पत्थर मिल जाए मुझे, अरे पत्थर मिल गए। तो गाइस सर अभी यहां पे सारे सारे पत्थर आ चुके। आपको तो पता ही मैं क्या करने वाला हूं, सारे के सारे पत्थरों को अपन को करना है टच, और ये हो जाएंगे डायमंड में कन्वर्ट। ये लो आपके डायमंड्स। सर ये क्या कर दिया सर? अरे डायमंड्स है ना आपकी पेमेंट। सर क्या ये असली है? अरे असली है सर, मुझे नहीं लगता ये असली है, आप मुझे कैश दे दो। कैश दे दो? थप्पड़ खाएगा, निकाल यहाँ से। अभी ये चुपचाप उठा लिया। तो गाइस सर इसको कर दिया अभी हमने बेहोश, ये उठेगा तब ये अपने डायमंड ले लेगा। इतने सारे हेलीकॉप्टर हमने ले लिए, ये हम यार अपने घर पे पहुंच ही जाएंगे। और अभी हम जाने वाले हैं इस हेलीकॉप्टर से और एक और बड़ी शॉपिंग पे। तो गाइस सर जिस यार दद्दू हल्क ने हमारी मदद करी थी इतना खतरनाक पावर्स के लिए, उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने वाले। तो फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा लेते हैं और चलते हैं दद्दू हल्क के लिए शॉपिंग करने। तो गाइस सर अभी आप सोच रहे हो कि हम गाड़ियों की शॉपिंग करने एयरपोर्ट पे क्या करने हैं, क्योंकि मैंने मंगवाई ये स्पेशल गाड़ियां दद्दू हल्क के लिए, वो भी यार दूसरी कंट्री से। तो गाइस सर ये सारी गाड़ियां दुबई से आई हुई है, और ये सिर्फ यार सारी दद्दू स्पेशल हल्क के लिए। तो यार ये एक कार्गो प्लेन जिसमें सारी गाड़ियां आई थी। तो आपको दिखा देता हूं कौन कौन सी यहाँ पे गाड़ियां आई है। ये देखो यार यहाँ पे BMW खड़ी है, ये दोनों BMW, और ये देख सकते हो दोनों यार ओपन फरारी, और आगे देख सकते हो ये दोनों रोल्स रॉयस, और ये देख सकते हो दो दो फरारी, और आगे खड़ी है दो दो लैम्बोर्गिनी। गाइस फटाफट से कमेंट
करके बता दे गाड़ी आपको कैसी लगी। तो गाइस सर अभी हम इन सारी सारी गाड़ियों को चेंज करने वाले डायमंड में, क्योंकि दद्दू अल्क ने हमें इतना बड़ा मतलब यार पावर दिए तो उनको नॉर्मल गाड़ियां तो ना देंगे, हम उनको सारी सारी गाड़ियां डायमंड में चेंज करके देंगे। तो सारी सारी लैम्बोर्गिनी को भी टच कर लेते हैं और गाइस सारी की सारी गाड़ियां कन्वर्ट हो चुकी है डायमंड में और हम इनको देने वाले दद्दू हल्क को बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इस कार्गो प्लेन को टच किया तो ये भी यार डायमंड का बन चुका है, कोई बात नहीं कार्गो प्लेन भी दद्दू हल्क को दे देंगे। तो गाइस अभी शिनचारो में बिल्कुल तैयार है टेक ऑफ करने के लिए हमारा बड़ा सा कार्गो प्लेन और हम जाएंगे सीधा दद्दू हल्क के घर पे और उनको ये पूरा का पूरा कार्गो प्लेन दे देंगे जिसमें बहुत ही महंगी महंगी और बहुत ही खतरनाक खतरनाक गाड़ियां हैं। तो गाइस फटाफट से हमने अपना कार्गो प्लेन उड़ा लिया, क्या ही मजा आ रहा है इसको उड़ाने में, ये बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें इतनी सारी गाड़ियां खड़ी तो बहुत ज्यादा भारी भी हो चुका है, पर कोई बात नहीं दद्दू हल्क के लिए इतना तो खा ही सकते हैं। तो फटाफट से लेके चलते हैं इसको दद्दू हल्क के घर पे। मुझे सुसुआरी प्लेन रुको, अबे पागल है क्या प्लेन नहीं रुकने वाला अब। तो गाइस अभी हमने दद्दू हल्क के घर पे सारी सारी गाड़ियों को डिलीवरी कर दिए और यार दद्दू हल्क के पास ये बाइक थी तो मैं यार घूमने निकल गया, अभी आपको उनके घर पे लेके चलता हूँ, उनका घर यार बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके दद्दू हल्क के पास। बच्चे तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, आज तक मैंने इतने लोगों की मदद करी कभी भी उन्होंने मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, तूने मुझे रिटर्न गिफ्ट किया। अरे कोई बात नहीं आपने हमारी मदद करी इसलिए हमने आपकी मदद करी, पैर लगू। बच्चे खुश रहो और भी गाड़ियां देते रहो। अरे हाँ कोई बात नहीं। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हमने सारे के सारे गाड़ियां डिलीवर कर दिए दद्दू हल्क को, तो आप खुश तो ना। अरे बच्चे मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मजा आ गया। वो तो बहुत खुश है पर हमको भी खुश होना है। अबे कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, हमें पता चला तुम्हारे पास बहुत डायमंड की गाड़ियां हैं इसलिए हम चुराने आ गए। और ये क्या, ये सब कहां से आ गए? इतनी सारी डायमंड की गाड़ियां, मजा आ गया। अबे निकल यहां से, दद्दू हल्क की गाड़ियां चुराएगा मैं इसको बिल्कुल भी छोड़ूंगा, तुम सबको मारूंगा, ये ले ये भी ले। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे गन्स निकालो। अरे बॉस हम गन लाना तो भूल गए। अरे क्या गन लाना भूल गए? ए भागो। अबे ऐसे कैसे भागोगे, तुमको गाड़ियां चुरानी थी ना, अब भागो ना। क्या हो गया? तो गाइस अभी इन सबको मार दिया। अबे तू क्या गोली चला रहा है मेरे पे? अरे बॉस आप टेंशन मत लो, मैं इसको मार दूंगा। अभी कहां से बोल रहा है? अरे बॉस मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अबे जाना यहां से पागल। अरे दद्दू हल्क आप टेंशन मत लो, मैंने सबको मार दिया, एक काम करो थोड़ी सिक्योरिटी विक्योरिटी रख लेना। अरे ठीक है। और ये वाली गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, अच्छी सी लग रही थी। अरे ठीक है कोई बात नहीं यार। तो गाइस अभी हमने दद्दू हल्क को तो उनका गिफ्ट दे दिया, अभी मैं देने वाला हूँ शिनचैन को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। तो फटाफट से चलते इस गाड़ी को लेके अपने सरप्राइज पर। तो शिनचैन और गाइस आप सबका स्वागत है हमारे नए घर में जिसका नंबर है 974। ये तो वही नंबर है। हाँ ये वही नंबर है। तो गाइस ये जो घर का नंबर है वो है नैने को दीदी का फोन का नंबर। वो बोल तो नहीं सकता था। अरे नहीं कोई नंबर नहीं है, ऐसे ही नंबर है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे नए घर में। तो गाइस फटाफट से आपको दिखाता हूँ हमारा नया घर, इस घर में हम रहने वाले। तो यहाँ से अपन घुस थे सामने, अपना यार कंप्यूटर टेबल पड़ा है जहाँ पे हम खेल सकते हैं बहुत सारे मस्त गेम, या फिर बड़ा सा सोफा। रुको यार यहाँ पे भी कुछ है ना, देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे अपना बाथरूम है बड़ा सा और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मस्त है नहा सकते हैं, ये मस्त इनविजिबल कांच है, बाहर का नजारा देख सकते हैं और बाहर वाले भी हमको देख सकते हैं नहाते हुए, वो अब दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बड़ा सा सोफा, बड़ा सा टीवी जहाँ पे मस्त चीजें देख सकते हैं, मस्त कार्टून देखेंगे। तो गाइस आपका सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा है फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना। और गाइस ये रही हमारी बालकनी, देखो भाई ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पे लगे हुए, सामने हमारा टेनिस कोर्ट तो है ही, और ये देखो यार यहाँ पे सोफा वो पड़े, बालकनी में यार आराम से मजे कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने हमारा बड़ा सा किचन है, मतलब इतना बड़ा तो हमारा बेडरूम भी नहीं जितना ही बड़ा ये किचन है। तो गाइस आप बताओ आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है, वो बैठ के हम यहाँ पे बनाएंगे और कुकिंग की वीडियो बनाएंगे एक दिन, बहुत मजा आएगा। ये रहा हमारा बेडरूम, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा बेडरूम है, यहाँ पे छोटा सा मॉनिटर लगा हुआ है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, आपको लेकर चलता हूँ ऊपर। उससे पहले यहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल भी, रुको पहले वहाँ पे सामने हमारा स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। वैसे तो यार पड़ोसी का स्विमिंग पूल है पर मैंने उससे बात कर ली थी उसको गोली मार के और उसने बोल दिया था कि मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो गाइस ये है हमारा स्विमिंग पूल बढ़िया सा, अभी आपको लेकर चलता हूँ ऊपर। ये रहा हमारा पार्टी एरिया, ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा का पूरा पार्टी एरिया है, यहाँ पे हम फुल पार्टी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा डायमंड वाला हेलीकॉप्टर भी पड़ा है जो कि मैंने अपने इन हाथों से बनाया था डायमंड को। तो ये है हमारा बैडमिंटन कोर्ट और आप देख सकते हो क्या लॉस सेंटर्स का व्यू आ रहा है। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो आपको ये घर कैसे लगा। और ये तो हमारा हेलीकॉप्टर को पता ही है जो कि मैंने खरीदा था, और भी जो हेलीकॉप्टर है ना उनकी भी डिलीवरी यार एक दो दिन में हो जाएगी, मैंने बात कर ली है, यहीं पे डिलीवरी होगी, सारे हेलीकॉप्टर को रख लेंगे। और अगर ये जगह कम पड़ी तो हम यार अपना नया
नया नया घर खरीद लेंगे। अगर आपको वो नया घर देखना है तो फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे अपनी राइड पे। तो आज की वीडियो से विदा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।